नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा पढ़ो इंडिया में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 को। और इसका जो टॉपिक होगा वो आपके सामने दिख रहा है, काइनेमेटिक्स लेक्चर। ओके, और ये यूज़फुल है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि हम किन किन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि RRB JE के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC JE के लिए इंपॉर्टेंट है, और अदर्स में आपका जैसे स्टेट PCS वगैरह में आ जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपका कंपलसरी है। हम डिटेल्ड वे में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको सटीक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो काइनेमेटिक्स, पहले हम डेफिनेशन जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर होता है उसमें हम दो पार्ट को स्टडी करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन को और टू डायमेंशनल मोशंस को। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशंस तो आप जानते हो कि लीनियरली या फिर रेक्टिलीनियर मोशन इसको बोल लिया जाए, और टू डायमेंशनल जो मोशन होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि काइनेमेटिक्स या फिर कह दें कि डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि फिजिक्स का अगर मोशन और फोर्स के साथ कुछ लेना देना हो तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते थे, मैकेनिक्स बोला करते थे। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टडी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को पहले पढ़ने का पहला स्टेप जो होता है वो होता है वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल और बॉडी। हम पार्टिकल और बॉडी के मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड टाइम विदाउट द स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम पार्टिकल या बॉडी के मोशंस को स्टडी करते हैं बिना ये जाने कि उसका पीछे का कारण क्या है। फोर्स आया तो कैसे आया, किसकी वजह से आया, इम्पैक्ट की वजह से आया या फिर पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की वजह से या उसके गेन की वजह से गया। तो इन सब चीज़ों को जाने बिना अगर हम मैकेनिक्स के किसी पार्ट में किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का मोशन को स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आपका काइनेमेटिक्स बोला जाता है। दिस पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये आपकी भाषा है, इसको जानना जरूरी होता है। कभी कभी पूछ लेता है, डेफिनेशन वाइज ही क्वेश्चंस को पिकअप कर लेता है कि काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, जिसमें फोर्स के कॉज को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर हम किसी मोशंस की जो स्टडी होती है वेरियस स्टडी को स्टडी तो करते हैं लेकिन हम ये जानने में अपना रुचि नहीं रखते कि ये किस वजह से आया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या था। सबसे पहले जो पहला पॉइंट हमारा देखने को मिलता है वो दिया गया है कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ इन वेक्टर फॉर्म, लाइक वाइज की डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको हम स्टडी करेंगे, उसके ग्राफ्स को स्टडी करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके बाद वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर रेट ऑफ चेंज करें तो उसको जर्क बोला जाता है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, इसको ध्यान से देखेंगे या ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट वन जो आपका होता है, स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द वेरियस मोशन कंडीशंस। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पेस की बात करना तो टफ हो जाती है, इसलिए आपको वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन तक उसी की स्टडी कराई जाती है। अब बात करते हैं कि थ्री डिफरेंट मोशंस ऑफ द मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, मैकेनिक्स के थ्री डिफरेंट मोशंस, मैकेनिक्स के जो होते हैं उसमें लॉज होते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन आपके मोशंस के लॉ होते हैं। ठीक है, मोशंस का इक्वेशन बोल लीजिए, लॉ बोलना अच्छा नहीं होगा क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो अब उसके बाद क्या होता है कि वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल मोशन की स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशंस की स्टडी करते हैं, और जो वन डायमेंशनल और होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है, और जो टू डायमेंशनल मोशंस की स्टडी करते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, इन सब बातों को जानने के बाद स्टडी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हो, उसमें बॉल छोड़ देते हो तो ज़मीन पे आ जाती है, तो किस वजह से आती है, ये एक तरह का एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से आता है, तो इसलिए इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। बिना बॉडी पे कोई भी वेलोसिटी दिए वो अपने आप एक वेलोसिटी गेन कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि स्टडी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब हम बात करेंगे कि वेरियस टर्म्स यूज इन द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उससे रिलेटेड कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। उन टूल्स को काइनेमेटिक्स की भाषा में हमने क्या क्या टर्म्स रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स, जो
तो काइनेमेटिक्स की भाषा में सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इसे वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, वेक्टर एश या वेक्टर डेल्टा आर करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम नहीं इंटरेस्टेड हैं कि जानने की स्टार्टिंग में कहाँ था, तो हम उसका एब्सोल्यूट जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसका रिलेटिव जानने में इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए हमेशा एक्स टू माइनस एक्स वन लिखते हैं, या फिर वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर आर फाइनल, मतलब फाइनल का जो पोजीशन है और जो इनिशियल का पोजीशन, उसको माइनस करने के बाद जो डेल्टा आर वेक्टर आता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोला करते हैं। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर को जो चेंज होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहा करते हैं, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस के बीच के डायरेक्शन को, डिस्टेंस को बता देता है, ठीक है। अब उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस को बताता है, उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस। जैसा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पहला जो डिफरेंस है ये है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लेंथ ऑफ द पाथ कवर ऑफ द बॉडी है उसको डिस्टेंस बोला जाता है। लाइकवाइज कि अगर कोई भी बॉडी सर्किल में घूम रही है ना, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा, लेकिन अगर एक पॉइंट से चलने के बाद दूसरे पॉइंट पे जाकर रुक जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट को जीरो बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि क्या रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वुड बी द इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन द एयर, नो चेंज इन द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में कोई चेंज ना हुआ, जैसे कि अगर आप एक सीधी रेखा में जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी और स्पीड की। अब हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, और इसके साथ साथ जो स्पीड होता है वो शो करता है किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को, ठीक है। और एक बात यहाँ पे बताते चलो कि जो वेलोसिटी होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, क्योंकि जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करते हैं वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं होता, वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग होता है। तो उन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए हमें एक एवरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, इसको वेक्टर वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और इसको आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको शो कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इसको एल बाई डेल्टा टी के फॉर्म में देखते हैं। और हमेशा एक रिलेशन ध्यान रखेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपका एवरेज स्पीड से हमेशा कम होगा या उसके बराबर पाया जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की। अंतर क्या होता है कि कभी कभी एवरेज जो होता है वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दे देता है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बड़े लेवल पे। लाइकवाइज कि अगर आप बीटेक पढ़ते हो या फिर हायर स्टडी में पढ़ते हो, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जो टर्म आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वहीं से आता है, ठीक है। मतलब तुरंत क्या घट रहा है हम उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम अपने पास है, अपने पास टूल है, मैथमेटिकल टूल है जिससे कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। उसका नाम क्या होता है, डिफरेंशिएशन। वाया डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को हम जानने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, लैंग्वेज भाषा है इसकी इंग्लिश में दिया गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द अप्रोचेस बाय द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल ऑफ द मेजरमेंट इज़ क्लोजर एंड क्लोजर टू ज़ीरो। मतलब कि मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जा करके हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब डी एक्स जो कि टाइम का फंक्शन है बाई डी टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्योंकि RRB JE SSC JE मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, तो उसमें क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करता है कि डिस्टेंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, मान लीजिए ये आपको फंक्शन दे दिया, कहेगा कि एक्स इक्वल टू थ्री पर उसकी वेलोसिटी बताओ। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करो, उसमें एक्स इक्वल टू पुट कर दो जो वैल्यू दी गई है, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही मैंने 2 बार लिखा है। स्पीड में क्या होता है आपको एक ही बार देखना है, ठीक है। इसमें स्पीड क्या होता है, स्पीड कुछ नहीं होता, बस अगर हम डिस्टेंस का उसमें रिलेटिव ले लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही जो मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएट करके जिसमें जो वैल्यू निकाली जाती है, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है बहुत ज़्यादा, उसको ध्यान रखेंगे।
अब क्या है कि जैसे कि हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका वेलोसिटी है, स्पीड हो जाती है, उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक पॉइंट को जिसको बोला जाता है, या एक टॉपिक को जिसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है ये इसको जानेंगे। जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसको हम वी टू माइनस वी वन वेक्टर अपॉन टी टू माइनस टी वन, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा वेक्टर टी के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। अब इसके बाद बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। सेम वाइज अगर उसको हम शॉर्ट इंटरवल, टाइम इंटरवल के ले लें, तो वही वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। अब बात आती है कि वन डायमेंशनल और द रेक्टिलिनियर मोशन की, क्योंकि ये पहले जो टर्म्स थे उसको हमने ख़त्म किया, क्योंकि टर्म्स नहीं जानेंगे, टूल्स नहीं पता होंगे, तो आप किसी भी चीज़ का जो स्टडी है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि मोशन विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इसमें तीन तरह के मोशन को हम स्टडी करते हैं। अब बात हम करते हैं कि वन डायमेंशनल और द रेक्टिलिनियर मोशन की, तो इसमें तीन तरह के मोशन पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मोशन होता है, दूसरा जो होता है वो आपका वेरिएबल वेलोसिटी एंड द कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन का होता है, जो तीसरा होता है उसको बोला जाता है कि वेरिएबल एक्सेलेरेशन अगर होता है तो उस तरह के मोशंस को क्या बोला जाता है, तीसरे कैटेगरी में रखा जाता है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका अभी इस लेवल पे बता पाना स्कोप के बाहर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि जो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी जो पहली बात हमने की थी, इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि जैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, dx बाई dt। ठीक है, इसको अगर dx यहाँ पे रहेगा और dt को इस साइड ले जाएं, तो dx को x ऑफ 0 टू x और v dt को 0 से t तक अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद उसकी लिमिट लगाने के बाद आपके पास क्या आता है, डेल्टा x इक्वल टू vt आता है। इसको बोलते हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये होता ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि मोशन विद द वेरियस वेलोसिटी एंड द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी वाई डी टी हो जाता है। और इसको कभी कभी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए x और t दोनों का फंक्शन है, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसको जानते रहेंगे। वी डी वी बाई डी एक्स कभी कभी क्या करता है कि जो वेलोसिटी होता है उसका जो प्रोफाइल दिया रहता है वो हमेशा किसके फॉर्म में दिया रहता है, कभी कभी डिस्टेंस के फॉर्म में या एक्स के टर्म्स में दिया रहता है। हम क्या करेंगे, कॉमनली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू पर्टिकुलर चीज़ पे होगा उसको उठा के रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी होती थी, इसको हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो होता है आपका एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको डी वी इक्वल टू ए डी टी होता था। अब क्या करेंगे, डी वी इक्वल टू यू से लेकर के वी तक और जीरो से लेकर के टी तक ए डी टी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा करने के बाद क्या होगा, ठीक है, ऐसा करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो वी है उसकी लिमिट जो होगी यू से लेकर के वी तक होगी, ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपका जो पहला अभी आया है ना, अभी जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, ये जो होता है वो आपका मोशंस का जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। ठीक है, अब जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, अब जो सेकेंड एक मोशन था उसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स जो हमने पढ़ा था, इसमें हम क्या करेंगे, वी डी वी को एक तरफ रखेंगे, डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और डी एक्स जो होता है उसको एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के एक्स तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे उसकी, और यहाँ पे यू से वी तक रखेंगे, वी स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स माइनस एक्स नॉट, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ वो आपका जो थर्ड लॉ होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें टाइम देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इक्वेशन अगर टाइम ना दिया रहे उसमें अगर आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हो, चौथा टर्म इसमें आता ही नहीं है। इसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछता है, सिंपल प्रश्न है, दूसरा इक्वेशन जो हमने नहीं पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन होता है उसको वी माइनस यू बाई एक लिख देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखें कि कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कभी एग्जाम्स में, तो लोग गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि वी और यू दिया रहता है, आपसे टाइम दिया रहता है,
कहता है कि भैया एस निकाल दो, तो उसमें भी लोग गलत गलत करते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब जो एक फोर्थ इक्वेशन आती है तीन के बाद, वो आती है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। कभी बहुत बार क्वेश्चन से बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस nth को निकालने के लिए हम लास्ट के दो टाइम सेकेंड को ले लेते हैं, जैसे कि एस एन मतलब nth सेकेंड, एन माइनस वनth सेकेंड। तो उससे क्या होता है कि एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ लिखा है हमने, इसको फोर्थ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन होते हैं जिसको हम इंटरटेन करते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि जो काइनेमेटिक्स भाषा में वेलोसिटी टाइम डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, कई डायग्राम बनाए जाते हैं, उसका क्या क्या मतलब होता है, कैसे उसको कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिखाया आपको, इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिख दी हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया, उसके ग्राफ्स को ड्रा किया है। किसके किसके ग्राफ को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसके रिस्पेक्ट में, टी के। टी को हमने एक्स एक्सिस पे क्यों रखा, क्योंकि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, दुनिया कुछ कहीं जा रही है लेकिन टाइम को अपने से किसी से मतलब नहीं, टाइम चलता रहेगा, इसलिए उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। और टाइम पे डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस वजह से इन तीनों को क्या रखा गया, वाई एक्सिस, जो कि डिपेंडेंट एक्सिस होती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इसमें पहला है एट रेस्ट, अगर रेस्ट में हुआ, बॉडी अगर रेस्ट में है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टी से लगा हुआ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसी तरह से इसमें भी होगा, इसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस ग्राफ्स को ध्यान से रखेंगे, कई कई ग्राफ को पहचानने के लिए बुला देता है, कहता है कि ग्राफ पहचानो तो जाने, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगला होता है वो आता है कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन, जो सेकंड है आपका मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखेंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका कुछ पर्टिकुलर स्लोप होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। अब हम वेलोसिटी में आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये बना है तो ये हमेशा पैरेलल बनेगा, ऐसा बना तो पैरेलल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन पक्का जीरो होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद क्या आता है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखा दिया आपने टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन लीनियरली चेंज होगी, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव होता था क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए ये क्या बनेगा, एक पैराबोलिक बनेगा। और ये डिपेंड करता है आपके इक्वेशन पे कि अपवर्ड बनेगा पैराबोलिक, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड, इसको हम देख सकते हैं इक्वेशन से, फिलहाल यहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम कि जो फोर्थ वन होता था कि अपवर्ड हो गया या डाउनवर्ड होगा, लाइकवाइज कि अगर डिसेलरेशन हो रहा है तो अपवर्ड कब होता था, जब आपका एक्सेलरेशन होगा। अब डिसेलरेशन होगा तो मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव ही हो सकता है, इसको बात को ध्यान रखेंगे। और जो वेलोसिटी होती है वो डाउनवर्ड जाएगी, मतलब कि डिक्रीज कर रही है, और इसको ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब इसका स्लोप लगातार घटता जा रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के अंदर है तो क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। अपवर्ड मोशन है तो क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन है तो क्या होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो क्या होगा, देखेंगे। फ्रीली फॉलिंग है तो यू इक्वल टू जीरो और जी जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। अपवर्ड मोशन है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा जो आप ग्रेविटी का डायरेक्शन है उसको नेगेटिव, मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया है कि अगर अपवर्ड जा रहा है तो उसको पॉजिटिव, अगर नीचे जा रहा है तो उसको नेगेटिव। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा लेते हैं, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी होती है, जैसे कि हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाते समय क्या होता है कि ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही होती है, ग्रेविटी को नीचे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अगर अपवर्ड मोशन है तो वी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं बदला, केवल माइनस साइन बदला। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में माइनस साइन केवल बदला है, और यहाँ पे इसके नोटेशंस मैंने दे दिए। अब क्या है कि इसका रिजल्ट क्या क्या आता है, ध्यान से सुनेंगे। जो पहला रिजल्ट आता है वो तो ये आता है कि हाइट को, अगर सीधा सीधा रिजल्ट याद रखिए, कुछ तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो चुपचाप इसे याद कर लो। जैसे पहला एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी, इनिशियल वेलोसिटी दी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, ठीक है। तो हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी रख देंगे, ठीक है। सेकेंड वन क्या है कि टाइम, कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट तक, अप मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में,
तो वो टी इक्वल टू यू बाई जी हो जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि पूरा टाइम कितना लगा, फ्लाइट में पूरा टाइम कितना लगा, तो टू टाइम्स ऑफ टी कर देंगे तो टू यू बाई जी आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद टाइम ऑफ एसेंट जो होता है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम तो तेज़ से फेंक रहे हैं तो जल्दी पहुँच जाएगा, बाद में गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट होता है। कई बार एग्जाम्स में बार बार यही चीज़ पूछता है, स्टेटमेंट देगा कि इसमें से कौन सा सही है, कि टाइम ऑफ जो एसेंट है वो डिसेंट के बराबर होगा कि नहीं, डिसेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आपने सीधा फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ड्रॉप कर दिया है तो उसमें कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, और किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, यहाँ पे पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अब अ पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड एट द पॉइंट ऑन द पाथ। ठीक है, इसमें बोला है कि अगर वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन करें, ठीक है, अ पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड एट ए पॉइंट ऑन द पाथ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका क्या होता है, जो चाहे अपवर्ड जाता रहे चाहे डाउनवर्ड जाता रहे उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल ही रहती है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल को हमने स्टडी किया, इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे आपका टू डायमेंशनल मोशंस को, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहा जाता है। तो धन्यवाद।